everybody and welcome to the third episode of Map of Me. मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे co-host हर्ष. कैसे हैं आप हर्ष? मैं बहुत ही बढ़िया हूं आस्था, पहले की तरह. मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और बहुत ही एक्साइटेड हूं हमारे मैप ऑफ मी के थर्ड एपिसोड के लिए, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे विमेन एट वर्क के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी यहाँ की महिलाएं कितने अलग अलग तरह के प्रोफेशंस में हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं अपने काम में. लेकिन इससे पहले बता दूं कि जितने भी नए दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए कि मैप ऑफ मी है क्या. मैप ऑफ मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी देश की यूथ यानी कि आप लोगों को एक दिशा दिखाता है, एक डायरेक्शन देता है आपका करियर सेट करने में, फिर चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर कोई नया स्किल सेट सीखना. कैसे? बहुत ही आसान है. आप जाइए हमारी वेबसाइट पर www.mapofme.in, वहां पे जाके साइन अप कीजिए और जुड़िए हमारे साथ और शुरू करिए अपनी जर्नी. तो शुरुआत करेंगे हम अपने 26 स्टेप्स के साथ, जहां हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्टेप्स बताएंगे कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं. साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी साइकिलिंग सिटीज के बारे में. बहुत ही सारे दिल्ली हाइट्स के पास हम गए थे, उनसे बातें करी थी और उनसे जाना था कि किस तरह से हम दिल्ली को एक बेटर और एक सेफ सिटी बना सकते हैं. क्यों हर्ष? बिल्कुल आस्था, साइकिलिंग हमारे 26 स्टेप्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे साइकिल टू वर्क या स्कूल हमें ये बताता है कि कैसे हम पर्यावरण में प्रदूषण कम कर सकते हैं और अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं. इसके बारे में और जानने के लिए लॉगिन कीजिए www.mapofme.in और मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें. बिल्कुल ठीक कहा हर्ष, अब इतना बता ही दिया है तो प्रो टिप तो बनता है, आइए देखते हैं. हेलो एवरीवन, मैं ओशीन मिठालिया, मैं बीट इंडिया के लिए काम करती हूं. इस वीडियो में हम बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करेंगे कि हमें ईमेल्स जब हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जब हम किसी को भेजते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट यानी एक प्रॉपर हेडिंग उस ईमेल का जरूर देना चाहिए. सामने वाले को वो हेडिंग पढ़ते के साथ ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपका ईमेल किस बारे में है. ठीक है, दूसरी चीज, कभी भी अपना सिग्नेचर ना भूलें. सिग्नेचर को हमेशा रखिए सामने वाले के लिए, जिसके पास भी ये ईमेल जाता है उसके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि आप कहाँ से ईमेल भेज रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी से ईमेल भेज रहे हो, या आपका एक प्रॉपर पहचान क्या है. ठीक है, उसके बाद आप जब भी किसी को ईमेल लिखते हैं, यूजुअली हम ईमेल प्रोफेशनल, ऑफिशियल, इन सारे पर्पस के लिए लिखते हैं, तो आप जब अपना बॉडी लिखते हैं ना, तो आप अपने सिचुएशंस या आप अपनी प्रॉब्लम्स या आप कुछ भी जब भी लिखते हैं, तो उसको एकदम कम से कम शब्दों में एकदम अच्छे से सजा के लिखना ना भूलें. आप जितना बड़ा लिखेंगे सामने वाले के अंदर उतना पेशेंस नहीं रहेगा कि वो आपका पूरा ईमेल ध्यान से और बहुत लंबा टाइम लेके पढ़ेगा. ठीक है, साथ ही साथ आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि सामने वाले का नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा है और आप अगर कुछ थोड़ा सा भी वर्ड लिखते हो तो वो समझ जाएगा. नहीं, हमेशा अपने ईमेल को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ऐसी लैंग्वेज जो कोई भी वो ईमेल पढ़े तो उसे समझ में आ जाए. ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड ईमेल कभी नहीं लिखना चाहिए, ऐसे सिंपल वे में आप ईमेल लिखो जिससे हर कोई जो भी वो ईमेल को पढ़े उसे उस ईमेल का मैटर, उस ईमेल का उद्देश्य अच्छे से समझ आ जाए और वो आपको उसी हिसाब से रिप्लाई कर पाए. उसके बाद किसी भी ईमेल को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा रिप्लाई. रिप्लाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, हमेशा महत्वपूर्ण होता है रिप्लाई करना. अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आप ये समझ जाइए कि आप सामने वाले के नजर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हो कि आप उसके ईमेल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. ठीक है, उसके बाद जब आपको किसी भी इशू में या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में जब आप ईमेल करते हो, अपने ईमेल में किसी भी तरीके से कोई भी गुस्से में या किसी भी अपने मूड अपसेट में कोई भी ईमेल ना भेजें. बहुत बार होता है जब हमारा मूड खराब होता है या जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम बहुत सारे ऐसे शब्द यूज कर देते हैं जिसका बाद में बहुत बुरा असर होता है, तो हमें नहीं पता सामने वाला इंसान कौन है. हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे सीनियर इंसान को मेल लिख रहे हो जो आपके ईमेल को पढ़ के आपके बारे में गलत धारणा बना ले और आपका सारा काम वहीं बिगड़ जाए. तो हमेशा ठंडे दिमाग से अपने ईमेल्स को टाइप किया करें. ठीक है, उसके बाद जो भी कॉन्फिडेंशियल यानी जो भी आप दो लोगों के बीच की कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं जो तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए, ईमेल्स को उस तरीके से आप फ्रेम करें और हमेशा उसे सीक्रेट रखें.
किसी भी तीसरे इंसान को उसके बारे में कुछ ना बताएं, ये बहुत ही गलत एक चीज है। ये चीज आपके हर लाइफ में काम आएगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में रहो या आप किसी भी फील्ड में काम करो, ठीक है। उसके साथ साथ आप ज्यादा, बहुत बार लोग होते हैं ना जो एक्सक्लेमेशन मार्क या बहुत सारे ऐसे पंक्चुएशन यूज करते हैं जिनका ईमेल में या प्रोफेशनल ईमेल में कोई काम नहीं होता है, तो उन चीजों का आप इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जब आप अटैचमेंट्स भेजते हैं तो अटैचमेंट कोई भी पिक्चर हो, डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, एक साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स अगर आप अटैच कर देते हैं तो सामने वाले के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है कि आपके सारे अटैचमेंट्स को देखे। तो आप हमेशा अपने अटैचमेंट्स को बहुत कम रखें ताकि सामने वाले को आपका मैसेज क्लियरली समझ में आए। शॉर्टकट्स बहुत कम यूज कीजिए। शॉर्टकट्स हर बार अगर आप वहां पे अगर लिखने जाएंगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके ईमेल को गलत तरीके से पढ़ा जाए और आपके काम सफल ना हो पाए, तो शॉर्टकट्स अवॉइड किया कीजिए वहां पे, ठीक है। वन लाइनर कभी नहीं भेजना चाहिए। अगर आप एक एक लाइन के सेंटेंसेस लिखते हैं और आप अगर पूरी तरह से अपनी ईमेल को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसे समझाते नहीं हैं, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जब आपको सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने मेल को थोड़ा लंबा, लेकिन ज्यादा लंबा भी नहीं रखें। वन लाइन लिखने से आपके बारे में एक गलत धारणा बना सकते हैं सामने वाला इंसान जो आपका ईमेल पढ़ रहा है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार आप लोगों को एक टाइमलाइन दी जाती है, 24 घंटे, 48 घंटे, एक दिन, 7 दिन। इस टाइमलाइन को जरूर दिमाग में रखें और उसके अंदर ईमेल का रिप्लाई करें, या आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है तो वो दे दें, या कुछ भी आपके ईमेल में जो भी रिक्वायरमेंट है, टाइमलाइन को हमेशा ध्यान में रखें। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे सो आपको बहुत ही इजी वे ऑफ ईमेल हैंडलिंग समझ आएगा और आपके आगे की किसी भी लाइफ में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप श्योरली हमें बताइए, हम आपके लिए नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर लेके आएंगे। थैंक यू। हमेशा की तरह इस इंटरव्यू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक और चीज़ दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में बहुत सारे हमारे दर्शक जो जुड़े थे हमारे साथ, कुछ बहुत ही आसान से सवालों का जवाब देकर जीते थे बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स और गिफ्ट वाउचर्स, और यही होने वाला है हमारे आज के एपिसोड में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए और आंसर करिए कुछ बहुत ही ईजी से क्वेश्चन का, एंड यू नेवर नो, यू माइट स्टैंड अ चांस टू विन सम रियली एक्साइटिंग गिफ्ट्स। क्यों हर्ष? हर्ष, अरे एक तो ये लड़का हमेशा अहम वक्त पर गायब हो जाता है, तो पता लगाना पड़ेगा कि अब ये लड़का काम छोड़कर कहाँ भाग जाता है। लेकिन इस शहर में मेरी मदद एक ही जासूस कर सकता है और वो है आकृति खत्री। एक सेकेंड, हेलो आकृति, आई नीड योर हेल्प। मेरा नाम आकृति खत्री है, मैं पेशे से एक प्राइवेट जासूस हूँ। मेरी पूरी एक जासूसी कंपनी है और हम भारत की सबसे बड़ी जासूसी कंपनी है। स्कूल के दिनों के दौरान भी बहुत सारे मेरे दोस्त आके यही पूछते थे, आकृति ये क्या है, उसके बारे में कोई नई ताजा खबर है क्या? सबको पता था आकृति के पास नई कोई खबर होगी, पक्की बात है। वही हाल फिर कॉलेज में रहा। प्रोफेशनली कॉलेज कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के बाद, हमारे टाइम में तो स्पेशली कहा जाता था, आजकल कम हो गया है, कि रोज अखबार पढ़ो। एक दिन पढ़ रही थी, मैंने देखा वहाँ दो एड थी कि अगर आपको जासूसी जैसा कोई काम करवाना है, आपको ये सर्विसेज चाहिए, ये काम चाहिए, तो आप हमें संपर्क करें। लेकिन मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कभी भी ये नहीं पूछा कि आपके पास वैकेंसी है, प्रोसेस क्या है। मैंने कहा जी काम करना है, ये बताएं कैसे होगा। तो वो खुद से आगे आकर के मेरा उसमें इंटरेस्ट दिखाना, अपना जिज्ञासा दिखाना, तो उनको लगा कि हाँ ये सही चॉइस है, तो मुझे तुरंत ले लिया गया। केसेस तो देखिए हम सब तरह के केसेस करते हैं, पर्सनल भी और कॉरपोरेट भी। पर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल से जुड़ा, आपके घर में जो भी घरेलू समस्याएं हैं उनको लेकर के आप जासूसी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और एक बड़ी कंपनी में जुड़ी जो समस्या है, जिसके अंदर आता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा आता है ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेरा एक जो एम्प्लॉई है वो हमारे साथ साथ साइड बिजनेस करता है कुछ, या
किसी और कंपनी के लिए भी काम करता है। उसके अलावा मेरी जानकारी मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है, तो वो कौन है? इस तरह के हम केसेस कंपनियों के लिए करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई पेशेंस, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं कि तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि इसको क्या कहानी सुनानी है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ जो हम चेक करते हैं वो है कॉन्फिडेंस। हमारी जासूसी का उसूल है, आदमी हम वो हायर करते हैं जो भीड़ में जाके मिक्स हो जाए, पता ही ना चले, वो भीड़ का हिस्सा बन जाए। यस, ये प्रोफेशन, ये काम आज भी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, जहाँ औरतों को इतनी बड़ी पोजीशन पे आज तक नहीं स्वीकारा जा रहा है। ऐसी सब औरतों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा से खुले हैं और खुले रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकती हैं। यू नो, ये सब देखने के बाद मेरा भी मन करता है शेरलॉक होम्स या नैन्सी ड्र्यू के जीवन में झांकने का। कितना एक्साइटिंग काम है ये, कितना फैंसी है, क्यों हर्ष? बिल्कुल आस्था, और मैं हूँ बैटमैन का फैन, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, जो जून के खिलाफ लड़ता है पूरी रात। चलिए, ये सब बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन काफी हैरानी की बात इसमें ये है कि अब हमारे देश की औरतें ऐसे प्रोफेशंस में जा रही हैं जिनके बारे में शायद कुछ साल पहले सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। प्राइवेट डिटेक्टिव को हमने अभी देखा, और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फीमेल बाउंसर्स को। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, और इसी तरह मैं भी शॉक हुई थी जब मुझे पता लगा था कि हमारे देश की लड़कियां ऐसे प्रोफेशन में भी हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी कहानी। सोचते हैं लोग कि रात को बाहर ना निकलें, पर ऐसा कोई इशू नहीं है, लड़कियां भी बाहर निकल सकती रात में। अगर लड़कों को दिक्कत है तो उन्हें घर में रहना चाहिए, अगर उनके कपड़ों से उन्हें दिक्कत है तो वो ना देखें। लड़कियां तो कैसे मर्जी भी कपड़े पहन सकती है ना। लड़कों को या आदमियों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक रिस्पेक्ट नहीं आएगी उनके दिल में, तब तक तो सेफ है ही नहीं। मानसी है मेरा नाम, और मैं 22 ईयर्स ओल्ड की हूँ, और मैंने 12th क्लियर कर रखी है। मेरा नाम प्रिया है, मैं 21 ईयर्स ओल्ड की हूँ। मेरा नाम मधु नेगी है, उत्तराखंड से हूँ, वैसे मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। मतलब हम लेडी बाउंसर्स का काम करते हैं, और मतलब हम हर किसी ओकेजन पे जाते हैं, जैसे किसी सेलिब्रिटी की शादी हो गई। जो हमारा इंटरेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ हमारे शौक के लिए है, किसी ने फोर्स नहीं किया, कोई दबाव नहीं है। जो पीपल हैं, जो भी अगर आ रहे हैं, वो आए तो हमें उनसे सिर्फ शांति से बात करनी है, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर वो हमसे बात करते भी हैं गुस्से में, तो हमें सिर्फ उनसे आराम से पेश आना है। अगर किसी को इस प्रोफेशन पे आना है तो उसको थोड़ी हेल्थ तो चाहिए होगी, मतलब बिल्कुल हेल्थ, हाइट हाइट थोड़ी हल्की मतलब चाहिए होगी। इस प्रोफेशन में मैंने पेशेंस रखना सीखा है, मतलब काम रहना सीखा है। मतलब मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, पर लोगों को देख देख के पेशेंस आ गए। बहुत नर्वस थे कि कैसे करेंगे, कैसे किसी से बात करेंगे, कोई कुछ कहना दे हमें। मैं तो कहती हूँ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए जरूर, कि भाई अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। घरेलू लड़कियाँ जिसके पेरेंट्स बाहर नहीं निकलने देते, तो उसे आना चाहिए, बहुत नॉलेज मिलती है कि बाहर जाके क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे हस्बैंड पुराने विचारों के हैं पहले से, तो वो पसंद नहीं करते थे कि पैंट शर्ट पहने, क्योंकि हमारे काम में हमको पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, तो वो पसंद नहीं करते थे। मीन्स कभी हम सुबह जाते हैं तो शाम तक आते हैं, कभी रात को जाते हैं, कभी क्लबिंग वगैरह का भी होता है, तो रात को भी जाना पड़ता है 8-9 बजे। खुद की सेफ्टी के लिए मीन्स सबसे प्यार से बात करनी पड़ती है, अगर कोई गुस्से में है तो किसी प्यार से बात करनी पड़ती है, तो नॉर्मल रहता है सब। अगर हम भी हो जाते हैं तो लड़ाई का डर रहता है। ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब सेफ तो है ही, जब हम किसी की सुरक्षा करने के लिए जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा तो हम पहले करेंगे। कोई लड़की अगर इस प्रोफेशन को आना चाहती है तो मीन्स ये अच्छी भी और बहुत बुरी भी है, क्योंकि मीन्स कुछ इसमें बॉयज भी हैं तो मीन्स वो अच्छे नहीं होते, और लड़कियां थोड़ा भाग जाती हैं, तो इसलिए वैसे बहुत सोच समझ के आना। पर कुछ अच्छे भी होते हैं, तो इसलिए वो उनके खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे बनना चाहती है इस प्रोफेशन में आके। सामने वाले जी, क्योंकि हमारी लाइन में बाउंसर बहुत होते हैं, तो वो फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं लड़के, उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। अब वो लड़कों की थिंकिंग है, वो बुरा सोच रहे, तो उसमें लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती। लोग लड़कियों अपनी भी तो बहनें और मम्मी है, फिर भी वो लड़कियों पे ही ब्लेम डालते हैं हमेशा। अगर इतनी उनको तकलीफ है तो वो खुद घर में बंद रहे, लड़कियां घूम सकती है रात को ना। लड़कियां ज़्यादा अगर बाहर निकलेंगी रात को तो उनको खुद भी डरने लगेगा लड़कों से, उनको सेफ महसूस होगा, क्योंकि वो इकट्ठी होकर लड़ सकती है, लड़ सकती है हर किसी से, और हम डर से लड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी आएंगे। देखा आपने कि इनके विचार कितने ही ब्रेव और बोल्ड हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे देश की हर लड़की ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहे। हर लड़की को हक है अपनी जीवन, अपनी जिंदगी उसके अकॉर्डिंग जीने का, और अगर लड़कों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो अपने घर पे ही रहें।
तो फिर देखा आपने कि कैसे नेगी सिस्टर्स को भी बहुत सी ओकेजन्स में बहुत से चैलेंजेस मिले हैं, लेकिन डीलिंग विद प्रेशर हमारे 26 स्टेप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम आपको बताते हैं कि मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम में भी किस तरह से आपको उससे डील करना है पेशेंस के साथ। अगर आप हड़बड़ी में काम करेंगे तो आप ज़रूर गलती करेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस हमेशा ठीक रहेगा तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। एक सेकंड, आज तो मैंने कैब बुक किया है। हाँ भैया, किधर पहुँचे आप? क्या दीदी? हाँ ठीक है, मैं लोकेशन में खड़ा हूँ, वहाँ पे आप आ जाना। ये क्या यार दीदी, कैसे? मुझे पता था हर्ष कि तुम्हारा भी यही रिएक्शन होगा। इनफैक्ट मैं भी बहुत शॉक थी जब पिछले हफ्ते मैं रात को ट्रैवल कर रही थी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी डर था कि अरे अकेले जाना है, लेकिन फिर एक फीमेल कैब ड्राइवर आई। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं भी कैब चलाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। मेरा नाम मोइदा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर कमर्शियल टैक्सी चलाती हूँ। 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें ये लोग हमें गाड़ी चलाना सिखाना और लाइसेंस बनवा के देते हैं, उसके बाद जॉब भी लगवाते हैं। तो मैं टैक्सी लाइन में लास्ट 2 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। की ड्यूटी होती है, 1 डे वीकली ऑफ डे होता है हमारा। ड्यूटी के दौरान हमें जैसे कि एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप मिलते हैं, पिक करना होता है, घर ड्रॉप करना होता है मैम को। कुछ लोग हमारे 8 आवर्स और 4 आवर्स का पैकेज होता है तो वो उसके थ्रू बुक करते हैं, जैसे उनको कहीं जाना होता है गेस्ट के यहाँ। फिर कुछ इंटरनेशनल को जो फॉरनर्स आते हैं उनको घुमाना होता है, जो ओल्ड दिल्ली, लाल किला, ये सारा मॉन्यूमेंट्स वगैरह घूमते हैं। और बाकी हमारा ये सीपी में द ललित होटल है, इसमें 5 गाड़ी एवरी डे जाती है हमारी, 5 कार्स 8 आवर्स की बुकिंग के लिए। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ड्राइविंग मेल डोमिनेटेड वर्क है। कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, जैसे कि हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो बराबर में कार खड़ी होती है। कुछ फीमेल्स या कुछ मेल्स भी बहुत सारे चेयर अप करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन मिलता है। कुछ लोग तो बोलते भी हम पार्किंग में या कहीं वेट करते हैं किसी का कि आपने ये काम ही क्यों चुना। दोनों ही तरह के रिएक्शन मिलते हैं, अच्छे भी ख़राब भी हो। ड्राइविंग के दौरान हमें सबसे पहले तो रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, दूसरे से भी हो जाती है, या फिर कोई मतलब आपको लगता है कि रूडली चला रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, तो एकदम से अग्रेसिव नहीं होना है। उसको पहले इग्नोर कर दो, एकदम अच्छा सा थोड़ा सा कम साउंड में गाना चलाओ, एकदम मूड फ्रेश करके चलाना चाहिए, चाहे पर्सनल हो या फिर कमर्शियल कह सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है जब मैं जब बाहर से जो ट्रैवलर्स आती हैं तो उनको अपने देश के बारे में बताना कि हम लोग कैसे रहते हैं, हमारा फूड देख के वो लोग खुश होते हैं, तो ये चीज़ मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने, ये थी हमारी विमेन कैब ड्राइवर्स। इनके होने से हमारे देश की औरतें ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करती हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री रात को आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। एंड गेस व्हाट दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत सुपर एक्साइटिंग न्यूज़। अब आप जीत सकते हैं सखा कैब के फ्री राइड वाउचर्स। कैसे? बस आंसर कीजिए ये 2 आसान से सवालों का। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और दूसरा सवाल, विच मूवी इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ फीमेल रेसलिंग चैंपियन? तो साइन अप करें हमारी वेबसाइट www.mapofme.in में और जल्दी से अपने आंसर्स हमें भेजें, क्योंकि आपको टॉप 100 में रहना होगा अगर आपको वाउचर्स जीतने हैं। तो चलिए अब चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं कि हर्ष हमारी दिल्ली की वर्किंग वुमेन से क्या बातें कर रहा है। तो शिखा जी, आप किस प्रोफेशन में हैं? मैं डेंटल प्रोफेशन में हूँ, मैं एक डेंटल असिस्टेंट। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपके फर्म में कितने, आप जिधर काम करती है, कितने मेल वर्कर्स और कितने फीमेल वर्कर्स? मेरे उसमें फीमेल 2 ही हैं, बाकी सब मेल। अच्छा, हाँ जी, मैं एक सिंगल डेंटल असिस्टेंट हूँ, बाकी एक डॉक्टर। हाँ जी, करेंटली इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही हूँ इन IT डिपार्टमेंट। लाइक इट्स अ गुड प्रिटी बिग कंपनी, सो आई कैन से मतलब काफ़ी टेन्योर बहुत बड़ा है। इक्वली आप समझो, हर डिपार्टमेंट में इक्वल वुमेन और इक्वल मेन काम कर रहे हैं। That's very good. That's very good. की ही जो टीम है
वी आर सिक्स पीपल एंड थ्री आर वुमेन एंड तीन लड़के हैं। ऐसे कभी होता है कि आपके प्रोफेशन में जब आप काम करती हैं तो क्या मेल वर्कर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा मतलब सब कॉमन ही है हमारे यहाँ पे। हाँ जी, आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम एसोसिएटेड विद अ वेरी गुड कंपनी। मेरी हर चीज़ मानी जाती है, लाइक एज अ मैरिड वूमन तो हमारे उसमें ये वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है कि जैसे कि अगर किसी मतलब आई एम नॉट अ मदर बट कोई और मदर है तो हमारे उसमें जैसे एक एक महीने का भी वर्क फ्रॉम होम दिया है ये देखते हुए कि वो अपनी प्रोफेशनल और घर की लाइफ कैसे संभाल रही है। तो मतलब आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम एसोसिएटेड विद अ वेरी गुड कंपनी। और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे मेल एंड फीमेल को इक्वल पे नहीं मिलता, तो आपको नहीं लगता कि वुमेन को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे पे मिलना चाहिए रादर देन उनके जेंडर के बेसिस पे? यस, क्योंकि ना वुमेन्स भी कैपेबल, दोनों का सेम ही काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन्स भी बॉयज से भी मतलब सेम ही काम करती है, तो उनको भी मतलब मिलना चाहिए। और ऐसा है कई जगह वुमेन्स को ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू बॉयज। एज अ लीडर यू नो व्हाट ऑल क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड यू नो टू बिकम अ गुड लीडर आपके हिसाब से? बेसिकली मतलब टीम को कैसे आप जोड़ के रखो, बेसिकली दिस थिंग, एंड वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टीममेट्स प्रॉब्लम एंड उनकी रिक्वायरमेंट कि क्या है, क्योंकि कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली वी कैन गेट अ गुड आउटकम। राइट, तो अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि काम करवाते रहो, उनकी भी सुनो कि ओके दे नीड समथिंग, दे हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको उनको उसमें ईज देना चाहिए, देन ओनली आउटकम अच्छा आएगा, काम अच्छा होगा, एज अ टीम वी कैन मैनेज प्रॉपरली। हमें जज करना अच्छा आना चाहिए, एक लीडर जैसे बनता है तो उसको जज करना अच्छा आना चाहिए, हम कैसे किस तरीके से मतलब किसको समझा रहे हैं, कैसा जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब आना चाहिए। हाँ जी, सो गाइस ये था शिखा जी का कहना, बहुत अच्छा लगा शिखा जी आपसे बात करके। वेल दोस्तों, इन सभी के ओपिनियन से हमें ये पता चलता है कि औरतों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको सैलरी उनके हिसाब से मिलनी चाहिए और उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो भी टीम लीड कर सकें और बड़े से बड़ा डिसीजन खुद से ले सकें। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। तो दोस्तों, पिक्चर देखने का नजरिया कुछ और ही है। आप जानना चाहेंगे कि कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन सकते हैं, तो जानिए मानवी से। हाय, मेरा नाम मानवी है और मैं फिल्म मेकर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई विस्निंग वुड्स इंटरनेशनल से की है। फिल्म स्कूल ज्वाइन करने का मेन रीज़न यही था, मेरे घर में या मेरे परिवार में कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई नहीं था, प्लस मुझे ग्रामर और पंचुएशन फिल्म मेकिंग की जाननी थी। जब भी मैं कोई फिल्म देख कर आती थी तो मैं उसके कैरेक्टर में ही 2-3 हफ्ते अपने मम्मा पापा से बात करती रहती थी, तो मुझे लगता था यार कितना पावरफुल मीडियम है कि आप अपनी बात भी रख सकते हो, आप एक कैरेक्टर भी दिखा सकते हो, ठीक है, और लोग उसको घर लेके भी जा सकते हैं। मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री में जब आप सेट पे जाते हो तो ये एक मेल डोमिनेटेड सेट है, बहुत ज़्यादा फीमेल्स आपको नहीं दिखेंगी, और जब आपको फीमेल्स ज़्यादा नहीं दिखती हैं तो आप जब अपनी आवाज़ रखने की कोशिश करते हो तो वो मेल डोमिनेटेड आवाज़ के अंदर कहीं दब जाती है। किसी भी एक महिला को आने के लिए इस इंडस्ट्री में उनके पास एक लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। आप की पावर होनी चाहिए कि आप अपना कम्युनिकेशन लेवल जो आप बताना चाहते हो किसी दूसरे बंदे को वो बहुत क्लियर हो। उससे ज़रूरी ये है कि आप ऑब्जर्वेंट रहें, और मुझे ऐसा लगता है एक डायरेक्टर को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कैमरा कैसे वर्क करेगा, आपका ऑडियो कैसे वर्क करेगा, आपके ग्राफिक्स कैसे पीछे आएंगे। जो यंग लोग आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, मैं उनको बोलूँगी कि इस प्रोफेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो पागलपन है। पेशेंस नहीं खोनी है अपनी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अपने पैर इस इंडस्ट्री में जमाने के लिए। डिसिप्लिन ज़रूर रहना है, आपके आइडियाज़ आने बहुत ज़रूरी हैं, अपने माइंड को फ्रेश रखना, आइडियाज़ लेते रहना, सो लोगों से बातें करते रहिएगा। मेरे लिए फिल्म मेकिंग आई थिंक एक जीवन बन गया है। मैं सुबह उठती हूँ तो एक फिल्म स्टार्ट होती है मेरे लिए, और मैं सोती हूँ तो एक फिल्म ख़त्म होती है मेरे लिए।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे देश की औरतें निभा रही हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सुनना, समझना, डिसीजंस लेना, टीम लीड करना और पेशेंट रहना, ये सब निशानियां ही तो हैं एक सक्सेसफुल इंसान की। बिल्कुल सही कहा तुमने आस्था। और अगर आपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं और आपका ऑफिस है मीलों दूर, तो भाग लीजिए इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में जिसमें हैं दो सवाल। प्रश्न नंबर एक, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रश्न नंबर दो, कि कौन सी फिल्म है जो एक फीमेल रेसलिंग चैंपियन के ऊपर बेस्ड है? फटाफट अपने आंसर्स दीजिए www.mapofme.in में। और गाइज फटाफट कीजिए क्योंकि पहले 100 एंट्रीज को ही सखा कैब्स की तरफ से वाउचर्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा मैप ऑफ मी का तीसरा एपिसोड पसंद आया होगा। भूलिएगा नहीं कि हर नारी को हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। आई एम योर होस्ट आस्था सेठी, साइनिंग ऑफ।